गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए अमेज़न होम फर्निशिंग हॉल लेके आई हूँ। इस हॉल के पीछे का मेरा मेन पर्पस इतना ही था कि मेरे पास जितनी भी लिविंग रूम में चीजें अवेलेबल हैं, उन्हें रिप्लेस ना करते हुए मैं अपने लिविंग रूम को एक नया टचअप देना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ शॉपिंग की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम इस पार्सल से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक इसका साइज देख के तो मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ कर्टन्स ऑर्डर किए थे, तो शायद इसमें कर्टन्स ही होंगे। तो हम इसे कट करके देखते हैं। और हाँ, देख के कलर तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मैंने इसे रेड वाइन कलर में ऑर्डर किया था और एज पर पिक्चर एकदम एग्जैक्ट कलर आया है इसका। आप बिलीव नहीं करोगे कि ये दो कर्टन का सेट है जो मुझे 449 में पड़ा था। कैन सी बहुत ही अच्छे से इसमें रिंग्स बनी हुई है, आगे पीछे से स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है। अराउंड ये लेंथ में 7 फीट के कर्टन हैं। वाओ, क्वाइट गुड। रेंज वाइज बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हुआ है एंड यू कैन सी कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो आप इस रेंज में बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे पैटर्न अवेलेबल हैं, आप जरूर इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई मस्ट से आई एम अ हैप्पी कस्टमर। नेक्स्ट है, इसका बॉक्स देख के तो मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ सोफा कवर ऑर्डर किए थे। आई थिंक इसमें वही होने चाहिए। सोफा कवर भी हम चेक कर लेते हैं कि एज पर ऑर्डर वो डिलीवर हुए हैं कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सेम हाउस ऑफ क्विप के ही ऑर्डर किए थे, तो जिसमें मुझे कलर इशू आ गया था। जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया था प्रोडक्ट, उस तरह से प्रोडक्ट आया नहीं, तो मैंने उसे रिप्लेस कर दिया। अमेजोन ने अभी कार्टन क्वालिटी बहुत ही बेकार कर दी है, तो थोड़ा सा जो भी आपको प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं वो तो डैमेज नहीं होते, बट कार्टन पूरा ही खराब हो जाता है। वाह, ये भी रेड कलर में मैंने ऑर्डर किए थे और हम इसे ओपन करके देखते हैं। ये भी मैंने रेड कलर का ऑर्डर किया था। पहले मैंने कुछ पर्पल में थोड़ा फ्लोरल था पैटर्न, वो ऑर्डर किया था, बट जब वो प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हुआ और जब मैंने उसे सोफा में अपने टक किया, तो मुझे कुछ गेटअप नहीं आ रहा था उससे। थोड़ा सा डल डल सा फील हो रहा था क्योंकि मेरे कर्टन्स भी थोड़े फ्लोरल टाइप में हैं और मेरा सोफे का भी नया जो मैंने कवर लगाया उसे वो भी उसी तरह से दिख रहा था, तो मुझे वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। हालांकि वो भी सेम रेंज में था, बट देन मैंने उसे रिप्लेस कर दिया और मैंने फिर अभी प्लेन कलर में ही ऑर्डर किया। तो ये है रेड कलर का। लेट्स सी कि कुछ डैमेज तो नहीं आया है। देखिए ये बहुत ही स्ट्रेचेबल मटेरियल है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट है हाउस ऑफ क्विक के यूनिवर्सल सोफा कवर्स, ठीक है। इसमें जो है आजकल बहुत ही डिमांडिंग चल रहा है, आप सॉलिड प्लेन कलर में जाइए या फ्लोरल पैटर्न में जाइए, जो भी आप लेंगे। अराउंड 2500 उसका ट्रिपल सीटर का रेंज चल रहा है और सिंगल सीटर का 1500 रेंज चल रहा है। उसमें आपको अलग अलग डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। अभी जैसे रिपब्लिक डे के लिए आपका सेल आ रहा है, उसमें भी आपको अच्छा सा डिस्काउंट पड़ जाएगा। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो मैं इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसे भी एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं।
इसके पीछे भी मेरा मेन पर्पस यही था कि अभी मेरी बेटी छोटी है और इस टाइम पे मैं अपना सोफा चेंज करना नहीं चाहती हूँ, हालांकि उसे 5 से 6 साल हुए हैं, बट बच्चा हरदम उस पर जंप करते रहता है, तो थोड़ा सा जो उसके कवर्स है वो थोड़े से फट गए हैं, लूज हो गए हैं, और थोड़ा सा जो उसका लेदर है वो भी डल हो गया है, बट इट्स नॉट, आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ प्रॉपर टाइम टू रिप्लेस माय सोफास, और मैं 2 साल तो इसे चेंज करने के मूड में नहीं हूँ, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि इससे आपके सोफे का पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। इसमें आपको ये फोम के सिलेंडर्स दिए हुए हैं, जो भी एक्स्ट्रा इसमें मटेरियल रहेगा आपको पूरा लगा के इसे स्ट्रेच करना है और इसे फिर साइड साइड से टक करने के लिए हेल्प हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है मेरे कुशंस। सोफा कुशंस भी मैंने सोचा कि चेंज कर लिए जाए, वो भी बहुत ब्रेस्ड हो गए, दब गए हैं जो एक्चुअल मेरे पास है, तो इसकी भी मुझे बहुत अच्छी डील मिली, तो मैंने सोचा इन्हें भी ऑर्डर किया जाए। कुशन एक नहीं है, ये है 5 कुशन का सेट। जी हाँ, ये वैक्यूम कुशंस है, जिसे हम जैसे ही ओपन करेंगे ये अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएंगे। तो ये 24x24 का इसका साइज है, जो मेरे सोफा के अकॉर्डिंग था वही मैंने इसे ऑर्डर किया है। इसके कवर्स मेरे पास है, देखिए, ये रहे मेरे 5 कुशन। आप देख सकते हैं कि कितने छोटे से इसमें कंप्रेस करके वैक्यूम करके उसे भेजा गया था, बट अब हम इसे ओपन करते ही देखिएगा ये कैसे अपने ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है ये, बहुत ही कंफर्टेबल है, इसका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा दिया गया है, स्टिचिंग भी अच्छी है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इसे लाइक करिए, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दी गई बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।